हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो जो अपनी पहली न्यूज आ रही है स्काउट की तरफ से, तो आप सभी को पता होगा रिसेंटली स्काउट ने अपना पीसी तोड़ा था। तो स्काउट ने अनाउंस किया कि 6-7 तारीख तक उनका न्यू पीसी आ जाएगा, और स्काउट ने ये भी बोला कि 6-7 तारीख को जब उनका न्यू पीसी आएगा उसके बाद ही उनका रूम टूर भी आ जाएगा। तो लेट्स सी गाइस ये कब तक होता है स्काउट की तरफ से उनकी रूम टूर की वीडियो। अपनी अगली न्यूज है वैलोरेंट को लेकर। तो वैलोरेंट ने अनाउंस कर दिया उनका पहला ऑफिशियल ग्लोबल टूर्नामेंट, जो जिसका उन्होंने नाम दिया है फर्स्ट स्ट्राइक। और ये टूर्नामेंट अपन को अक्टूबर के अंदर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर डिफरेंट रीजन की टीम आप सभी को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेगी, फ्रॉम लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, टर्की, एशिया, ओशियाना, ब्राजील एंड एटसेट्रा। अपनी अगली न्यूज है कुलदा ग्रेट को लेके। तो अगर आपको नहीं पता अभी भी कि कुलदा ग्रेट कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ही इज द ओनर ऑफ विलेजर ई स्पोर्ट्स। तो कुलदा ग्रेट ने अनाउंस किया उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे वीकली कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें जो भी जीतेगा विनर होगा उसको कुछ ना कुछ वो अवार्ड देंगे, प्राइज देंगे। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो वीकली कॉन्टेस्ट में। अपनी अगली न्यूज है पबजी मोबाइल बैन इन इंडिया को लेके। तो गाइस एक आर्टिकल सामने आ रहा है और बहुत तेजी से वो वायरल हो रहा है, और वो आर्टिकल ये क्लेम करता है कि जो पबजी मोबाइल है वो कभी भी अनबैन नहीं होगा इंडिया के अंदर। और उसने बहुत सारे आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए जो कि पुराने आर्टिकल से उसने लिए और छाप दिए। तो गाइस जब मैंने रिसर्च करी, ढूंढा इंस्टाग्राम और गूगल पे, तो ये आर्टिकल फॉल्स निकला, और ये आर्टिकल फॉल्स क्लेम कर रहा है, और ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है कि पबजी मोबाइल वापस इंडिया के अंदर नहीं आए। तो गाइस मैं अभी आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ रिलेटेड टू पबजी मोबाइल। तो गाइस आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो गाइस जो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन है वो नहीं आएगा, 99.9% चांस है कि वो नहीं आएगा, 1% चांस है कि वो आ जाए, तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मगर जो पबजी मोबाइल है उन्होंने इंडियन वर्जन डेवलप करने की तैयारी कर दी है, और इंडियन वर्जन के लिए वो पार्टनरशिप ढूंढिए कोई इंडियन कंपनी का। जैसे मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि वो जियो के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो गाइस अगर इंडिया के अंदर कोई पबजी मोबाइल वर्जन आने वाला है तो वो इंडियन ही वर्जन आएगा। और थोड़ा सा समय और रुकी लो, अगर अपन ने 2 सितंबर से अभी तक वेट किया है तो थोड़ा सा टाइम और रुकते हैं, अपन को पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो अपनी अगली न्यूज़ जोनाथन को लेके। तो गाइस जोनाथन ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि वो कुछ शूट कर रहे हैं। तो गाइस देखते हैं क्या और कब तक जोनाथन की तरफ से अपन को स्पेशल वीडियो देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज है लीग ऑफ लेजेंड्स की तरफ से। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो लीग ऑफ लेजेंड्स है वो बहुत जल्द मोबाइल और कंसोल के अंदर आने वाला है। तो मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला लीग ऑफ लेजेंड्स अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर में अपन सभी को मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अपनी अगली न्यूज है रॉकेट लीग को लेकर। तो गाइस आप सभी देख रहे होंगे बहुत सारे स्ट्रीमर्स इन दिनों रॉकेट लीग खेल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। तो आप सभी का भी मन होता है कि रॉकेट लीग खेलने का। तो गाइस अगर आपके पास पीसी है तो आपके लिए खुशखबरी है, जो रॉकेट लीग है वो फ्री हो चुका है एपिक गेम्स के ऊपर। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाना है, एपिक गेम सर्च करना है और रॉकेट लीग को क्लेम करना है। तो गाइस फ्री में रॉकेट लीग आ जाएगा और आप इंजॉय कर सकते हो रॉकेट लीग बिल्कुल फ्री में। थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।